वेब पेज मुझे क्रिएट करना होता है, जो वेबसाइट डिजाइन होता है, वेबसाइट जो बनती है वो HTML से बनती है, यानी कि बिना HTML के हम लोग कोई भी वेबसाइट बना नहीं सकते। ओके, यानी कि जैसे कि हम नेट नेट पे या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट हम लोग सर्च करते हैं, तो वेबसाइट जो हमें गूगल से जो हमें हमारे विंडो पे जो स्क्रीन में शो होता है, इट्स इट्स अ फॉर्म ऑफ HTML, वो HTML के फॉर्म में होता है। ओके, भले वो PHP में बनी हो या कोई प्लेटफॉर्म बनी हो, PHP बनी हो, JS बनी हो, AEC बनी हो, ओके, बट ये फॉर्म जो मुझे आउटपुट विंडो जो शो होता है इन फॉर्म ऑफ HTML। ओके, तो HTML से तो पूरी वेबसाइट नहीं बना सकते। ओके, वेबसाइट बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, एक अच्छी से अच्छा एक रिस्पॉन्सिव, और आज के टाइम में वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो इजी टू फिट एनी डिवाइस, यानी कि कोई भी डिवाइस में आसानी से फिट होना चाहिए, यानी कि तो वेबसाइट पर मोबाइल ओपन करूँ तो इजीली मेरे मोबाइल के डिवाइस का पिन सेट हो जाना चाहिए, या टैबलेट में ओपन करूँ, या लैपटॉप में ओपन करूँ, या मैं डेस्कटॉप में ओपन करूँ। ओके, उसे रिस्पॉन्सिव यानी कि इजीली सेट हो जाता है कोई भी डिवाइस में। ओके, तो HTML से तो पूरी वेबसाइट नहीं बन सकता। HTML में क्या होता है, जस्ट लोग सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को अच्छा लुक एंड फील देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, CSS। क्या यूज़ करते हैं, CSS, और CSS का फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। हाँ ओके, सो माय नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। ओके, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ओके सो ओके नोटपैड दिख रहा है, नोटपैड विजुअल, हाँ देख रहा है। ओके। जैसे मैंने बताया कि तुम अपना ये क्या म्यूट कर दो। हाँ ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि HTML हम यूज करते हैं वेब पेज, यानी कि HTML से क्या होता है कि जैसे हम एक वेब पेज का मॉडल स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, बट उसे गुड लुक एंड फील देना होता है, उसके लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है HTML को अच्छा लुक एंड फील देने, अच्छा डिजाइन देने के लिए, अच्छा लेआउट देने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। विदाउट CSS हम लोग HTML को अच्छा लुक एंड फील नहीं दे सकते, यानी जैसे कि हम लोग बूटस्ट्रैप, हम लोग जैसे कि बूटस्ट्रैप तुमने देखा होगा। ओके, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, मोस्ट ऑफ CSS ही होता है। ओके, CSS का ही पार्ट होता है, तो सब CSS के बिना कोई भी वेबसाइट को हम लोग अच्छे से डिजाइन नहीं कर सकते। और सो गुड लुक एंड फील का मतलब ये होता है कि भले ही वेबसाइट में अंदर कंटेंट रिलेवेंट हो या ना, बट वेबसाइट अगर अच्छी हो तो एक बार विजिटर आपके वेबसाइट को जरूर विजिट करेगा। ओके, इट्स प्रमोशनल वे होता है। आज के टाइम में हर छोटे से छोटी कंपनी भी एक अपना वेबसाइट बनाती है। ओके, इट्स अ प्रमोशनल, तो ये लोग लोग पहले क्या करते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। ओके, तो CSS, और CSS में तीन टाइप के CSS होते हैं, कास्टिंग स्टाइल शीट के। ओके, हम देखते हैं कौन से की तीन कौन से तीन CSS होते हैं। ठीक है, CSS CSS में तीन टाइप के CSS हैं। पहला है इनलाइन, सेकंड है इंटरनल, थर्ड है एक्सटर्नल। ओके, CSS में तीन टाइप के CSS हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन CSS ये हम का यूज करते हैं, इनलाइन CSS हम यूज करते हैं बिटवीन टैग, यानी कि टैग के अंदर जो हम CSS अप्लाई करते हैं वो होता है इनलाइन इनलाइन CSS। फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें सिग्नेचर कैसे दिखेगा, ओके सपोज जैसे कि मैंने H1 टैग में यूज किया। ओके, जस्ट मैं सिंटैक्स ही जा रहा हूँ, हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं।
ओके यहाँ पर मैं कोई टैग दे देता हूँ और उसे कंप्लीट कर। तो जैसे कि H1 के अपने टैग है, जैसे मैंने बताया कि इनलाइन, ये इनलाइन इसका यूज करते हैं बिटवीन द टैग, यानी कि टैग के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने टैग है H1 और इस टैग के अंदर हम जो चीज यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड इनलाइन टैग। और ये इनलाइन टैग कैसे यूज होता है, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। स्टाइल प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, जैसे मुझे स्टाइल से, ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज करके इन अंदर इसके अंदर की जो प्रॉप्स जो इसके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस के लिए, जैसे लाइक ये फॉन्ट है मुझे कैसा डिजाइन करना है, एकदम छोटा करना है, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली देना है, सब रहते हैं, ओके। तो ये मेरा इनलाइन टाइप का सीएसएस, तो लोग स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करते हैं टैग के अंदर, ओके। अब इंटरनल, अब इंटरनल सीएसएस का ये होता है, ओके। इंटरनल ये होता है हेड टैग के अंदर, हेड टैग है जैसे एचटीएमएल है, एचटीएमएल में हम लोग एचटीएमएल टैग में ओपन एंड क्लोज करते हैं, जैसे हम हेड हम बनाते हैं, हेड ओपन एंड क्लोज, बॉडी ओपन एंड क्लोज, ओके। तो इंटरनल होता है जो इंटरनल सीएसएस होता है हम लोग हेड टैग के अंदर बनाते हैं यूजिंग स्टाइल टैग का यूज करके, कैसे वो भी देखते हैं। सिंटैक्स और सिंटैक्स हेड ओपन एंड क्लोज, मैं आपको सिंटैक्स दिखा रहा हूँ, स्टाइल टैग का यूज कर रहा हूँ, स्टाइल टैग ऊपर है ये इनलाइन। अब एक्सटर्नल कैसे यूज होता है, एक्सटर्नल यूज करने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस में मुझे नाम से मुझे पता चला एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से, यानी कि मुझे अलग से एक सेपरेटली फाइल बनानी पड़ेगी सीएसएस की, ओके, सीएसएस के लिए सेपरेटली फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल को मुझे डॉट सीएसएस सेव करना पड़ेगा, ओके, एंड जो सीएसएस का कोडिंग होगा उस मैं उस सारी की सारी उस सेपरेटेड फाइल में करूंगा। देन इसके बाद उस सीएसएस फाइल में जो भी मैंने स्टाइल दिए हैं वो मैं अपने एचटीएमएल पेज में कोई भी टैग को या अपने पूरे पेज को मैं अप्लाई दे सकता हूँ, और उसे अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम गेट पे, तो उसके लिए हमें मैं एक यूज करना पड़ता है लिंक प्रॉपर्टी, ओके, लिंक रेल मतलब रिलेशन दिखाना पड़ता है, मतलब स्टाइल क्या है और यहाँ पर देखना पड़ता है मेरे को अच्छा रहता है अच्छा। एक्सटर्नल मुझे अप्लाई करना है, अलग से इसके फाइल बनानी पड़ती है, जैसे फाइल का नाम कुछ भी आप दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ फाइल का नाम external.css, ऐसे आपको सेपरेट फाइल बनानी है और उस फाइल में css कोड आपको यूज करना है, लिखना है, और फिर उस फाइल को मुझे अप्लाई करना है अपने HTML पेज में जो मैंने css बनाया है, ओके। तो उसके लिए मुझे लिंक यूज करना पड़ेगा, लिंक रेल, रेल मतलब रिलेशन, href ताकि उस मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा, राइट, style.sh स्टाइलशिप और एचएफ यहाँ पर फाइल का नाम एक्सटर्नल डॉट सी एस सॉरी डॉट सी एस ओके। देन जो भी सी एस में अप्लाई करेंगे इस फाइल में ऑटोमेटिकली मेरे एचटीएमएल फाइल में अप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं ये एक लिंक यहाँ पर दे दूंगा मैं, ओके। अब ये कैसे होगा हम एक एक करके तीनों टाइप्स हम देखेंगे वन बाई वन, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ओके। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे HTML पेज बनाना पड़ेगा, वो तो HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग गुड लुक एंड फील देंगे यूजिंग CSS।
एंड इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। मैं तो इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल एस भी कर सकते हो या फाइल में जाकर सेव कर सकते हो आप। ड्राइव में सेव कर देता हूँ मैं, मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया सी ड्राइव में, एस टी एम एल सी एस करके सारी फाइल को वहाँ पर सेव कर दूंगा। इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ इनलाइन, मतलब मैं इनलाइन के एग्जाम्पल कर रहा हूँ, इनलाइन डॉट एच टी एम एल। ओके एंड फाइल को सेव कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर दिया, सेव कर दिया। देखिए फॉन्ट में भी कलर चेंज होता है, ये नोटपैड प्लस प्लस एडिटर बहुत ही अच्छा एडिटर है। ओके यहाँ पर लोग जावा भी कोड लिख सकते हैं, जावा की कोडिंग भी कर सकते हैं। ओके सो हम लोग मिल रहे हैं सीरीज के साथ, मतलब करते हैं हम लोग देखते हैं हमको। तो मैं एच1 टैग लिया, एच1 टैग लिया, और एच1 टैग में एक सिंपल साइट टैग्स लिखता हूँ। कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन क्लिक किया, कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन मेरा क्लिक किया। ओके अब इसमें तो सेव कर देता हूँ, कंट्रोल से चेक करता हूँ ये रहने बात कैसे दिखेगी। अब मैं रन कैसे रन कैसे करूँगी यूजिंग वेब ब्राउजर के। ओके वेब पेज की फाइल है तो वेब पेज की फाइल को मुझे देखना है तो वेब ब्राउजर के थ्रू देख सकते हैं। ओके सो मुझे फाइल कहाँ दिखेगी, फाइल मुझे दिखेगी जहाँ पर फाइल को सेव किया, यानी कि सी ड्राइव के अंदर। ओके हम लोग सी ड्राइव में हम लोग आ चुके हैं, देन सी ड्राइव में हमारा कौन सा फोल्डर होता है, एच टी एम एल एंड सी एस एस, एच टी एम एल सी एस एस दिख रहा है फाइल आपको। ओके देखिए अभी हमारा मैंने इनलाइन नाम का मैंने फाइल जो फाइल को जो नाम दिया था, फाइल का नाम दिया था इनलाइन करके, दिख रहा है वो इनलाइन। ओके तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ एंड ओपन विथ गूगल क्रोम कर देता हूँ। ओके गूगल क्रोम तो कैसा दिखेगा आपको देखिए, लिखा ओके यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट जो मैंने आपको लिखा था एचवन टैग का यूज करके, ठीक है कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन वो आपको दिख रहा है। बट अभी तो इसमें मैंने कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई नहीं करी, मैंने जैसा मैंने लिखा था एचवन प्रॉपर्टी यूज करके। एचवन क्या होता है, हेडिंग टैग होता है जो सबसे हाइयर होता है, बड़ा टैग दिखता है तो बड़ा फॉर्म दिखता है, तो वो अपना रोल प्ले करता है। बट अब मुझे इसको सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, मुझे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल देना है, डिफरेंट कलर देना है, बैकग्राउंड देना है। ओके और हम कैसे करेंगे, यूजिंग सी एस एस करेंगे, यानी मुझे और अच्छा बनाना है इसको। सो हम लोग आते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे, ओके तो इनलाइन सी एस एस के लिए मैंने बताया था, इनलाइन सी एस एस हम लोग यूज करते हैं इनसाइड द टैग। ओके इनसाइड टैग मतलब यहाँ पर मुझे स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, स्टाइल 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 प्रॉपर्टी में यूज किया उसको मुझे एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। इसी के अंदर मैं देता हूँ कलर, ओके कलर का समझ में दे देता हूँ, आप सेव नहीं करोगे लेते जाओगे तो परफेक्ट नहीं होगा। ओके सेव किया, आप भी चेक करना है कि इसका अप्लाई हुआ कि नहीं, देख लो अपना ब्राउजर के थ्रू। अब इसे जो टेस्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके ब्लू कलर दिख रहा है, ओके ब्लू कलर कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग और भी एट्रीब्यूट्स अप्लाई करेंगे इनलाइन सीरीज में, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नोटपैड में। मुझे और एट्रीब्यूट अप्लाई करना है अपने जो प्रॉपर्टी मैंने पहले जो एट्रीब्यूट मैंने पहले जैसा कि सेमी कॉलन मुझे लगाना है, सेमी कॉलन मुझे अलाइन करना है, मुझे सेंटर में करना है, सेंटर में है कॉलन सेंटर मैंने सेव कर दिया। ओके अब मुझे चेक करना है, रिफ्रेश करेंगे तो सेंटर में अलग हो गए, सेंटर में दिख रहे हैं। ओके सेंटर में भी आ गया, और मुझे कुछ करना है इसके अंदर देखते हैं। बैकग्राउंड कलर
टाइगर रेड अप्लाई हो चुका है फॉर्म को। ओके, यूज करते हैं इनलाइन में। ओके, हम भी डिफरेंट फॉर्म यूज करना है उसके ऊपर से ऑन फैमिली वो सारे फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट फैमिली इतने सारे मुझे याद नहीं रहता। गोल्डन फॉन्ट अटैक ग्रुप तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिंपली नोटपैड में जाना है। सिंपल नोटपैड जो डिफॉल्ट हमारे पीसी में होता है, हम लोग को वो नोटपैड में जाना है। उस नोटपैड में हम लोग को जाना है और उस नोटपैड में जाके जो हमारे पीसी में डिफॉल्ट होता है। ओके, मैं नोटपैड प्लस प्लस की बात नहीं करता हूँ। ओके, फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट, फॉन्ट में जाना है। बहुत सारे आपको डिफरेंट फॉन्ट्स है, आपको दिखेंगे उसमें से कोई भी फॉन्ट है आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें आपने ये सिलेक्ट करना है। ओके, ये दिखना है वैसे आपको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। ओके, एंड फिर आपको नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट कर दिया ब्राउजर में जाना है, कुछ स्टाइल भी चेंज हो चुका है। क्या डालने जा रही है बड़ा? बंद किया था लाइट, लेकिन बटन वॉशिंग मशीन चालू। ठीक है, मेरे फोन का साइज भी इंक्रीज, फोन का साइज भी इंक्रीज, फोन का साइज भी इंक्रीज हो चुका है। एंड डिफरेंट फोन अप्लाई हुआ कि नहीं इसमें? ठीक है, देखो फोन भी डिफरेंट अप्लाई हो गया इस पे। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे अप्लाई करना है। ओके, उसके लिए हम लोग को नोटपैड प्लस प्लस करना है। ओके, हम लोग इस पर क्या क्या मैंने अप्लाई किया है मेरे भाई, बस चेक कर देख लेता उसमें। ओके, हम लोग यहाँ पर कलर अप्लाई किया हुआ है, कलर कलर एक्टिविटीज किया हम लोग ने, टेक्स्ट अलाइनमेंट किया है, सेंटर में लिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, फॉन्ट फैमिली यूज़ किया है, फॉन्ट साइज यूज किया है। ये जो इनलाइन में हम करते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए रहता है या फिर नहीं? नहीं, सबके लिए भी दे सकते हो। मतलब एचटीएमएल में कोई भी टैग हम लोग यूज करते हैं ना, वो टैग के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये हर टैग के लिए अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि एचटीएमएल में लोग टैग ही यूज करते हैं ना। अच्छा, तो जैसे कि H1 की जगह कोई भी जगह बोल्ट है, बोल्ट है, ऑल है, अलाई है, यूएल है, कुछ भी टैग में चलेगा, कोई भी टैग में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जैसा चाहिए आपको। ओके, सो हम लोग को इसके एग्जांपल्स किधर मिलेंगे ऑनलाइन? एग्जांपल मिल जाएंगे ना, बहुत सारे एग्जांपल्स, कोई भी वेबसाइट वगैरह पे जाना है तो मिल जाएंगे तुमको। कोई भी साइड मिल जाएंगे, तुम ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी तुमको मिल जाएंगे। W3 पे वगैरह जैसे भी जाना है तो W3 पे मिलेगा। हाँ, और जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि W3 से ज्यादा ही मैं इसमें बता दूंगा तुमको। और तुमको एग्जांपल और देखने का ऐसा एग्जांपल देख। हां, पैडिंग, ओके, पैडिंग, यहां पैडिंग दिया, पैडिंग कैसे अप्लाई होता है देख लेते हैं। रिफ्रेश कर देना। ओके, यानी कि और उसमें स्पेस आ जाए।
और तो हम एट्रिब्यूट अप्लाई करके देखते हैं ऊपर पर देख कंटेंट पढ़ा है सारा पेजला मार्जिन एंड अगर हम लोग पिक्सेल में नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट पिक्सेल ही कंसीडर होता है दिख रहा है साइड साइड से बॉर्डर मुझे देना है बॉर्डर जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं दिख रहा है इसमें नहीं बॉर्डर मैंने अप्लाई कर लिया दिख रहा है ओके अब इसको और भी कुछ करना है तो हम लोग और भी इसमें यूज कर सकते हैं जैसे कि इसको मार्क्यू के अंदर डाल के भी इसको तो मैं अनम्यूट कर लूं स्टॉप शेयर हम लोग आते देखते हैं ब्राउजर पे देखो इसे मैंने मार्क भी अप्लाई करेंगे दिख रहा है हाँ सर देख रहे हैं ओके तब तो मैंने ये सीआर मेरा जो नोटपैड पर पहले मैंने यहाँ पर कौन-कौन से प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया हुआ है तब तक तो यहाँ पर देखते जाओ समझ में हेलो हेलो दीप्ति हाँ सर समझ में आया इतना प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं हाँ बॉर्डर रेडियस करेंगे बॉर्डर रेडियस में दे देता हूं आपको सपोज 20 पिक्सल देखते हैं अप्लाई करके दिख रहा है कुछ यहाँ पर कुछ अप्लाई हुआ बॉर्डर रेडियस करके दिख रहा है हाँ दिख रहा है ओके यहाँ से क्या हुआ जो जो कोना था वो क्या हो गया फिर क्या हो चुका ओके ये कव हो गया अपन तो बॉर्डर रेडियस मतलब कि बॉर्डर का जो रेडियस है मैंने उसका दिया तो हमने जितना कैटेगरी की जो कव हो चुका है ओके समझ में आया इनलाइन हां इनलाइन समझ में आया ओके सेम है सेम प्रॉपर्टी वगैरह सब हम किस भी अप्लाई कर सकते हैं ओके ये था एग्जांपल इनलाइन का सेम है हम लोग ऐसा इंटरनल का भी बना सकते हैं तो हम लोग इंटरनल का भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ में ओके
तो मैं कंट्रोल लाइन करता हूं, न्यू फाइल बनाता हूं। अब मैं इंटरनल का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इंटरनल सीएसएस सेम फाइल को मैं कहता हूँ सेव करता हूँ। ये कंट्रोल है सेम नाम मेरे पास इंटरनल इंटरनल डॉट स्टाइल टैग करना पड़ता है, स्टाइल टैग ऊपर है, स्टाइल टैग और जो प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने यूज किया सेम प्रॉपर्टी हमको इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं पैराग्राफ की ले लेता हूँ, मुझे पैराग्राफ की लिया, मुझे क्या करना है कि अभी जैसे हम लोग इनलाइन में जो कर रहे थे, इनलाइन में का डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम लोग को हर एक टैग के लिए मुझे बार बार लिखना पड़ता है, यानी जो टैग के मुझे देना है तो हर टैग के लिए बार बार इनलाइन मुझे करना पड़ता है। बट इंटरनल में क्या होता है, अगर मैंने सपोज मैंने हेडिंग टैग के लिए मुझे ये सी एस एस चाहिए, फॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए, यहाँ भी हेडिंग, तो ऑटोमेटिकली वो हेडिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर जहाँ मैं पैराग्राफ में यूज करूँ तो पैराग्राफ के लिए ये कलर ये फॉन्ट होना चाहिए, तो ये फॉन्ट ये कलर ये फॉन्ट ही अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम बार बार मुझे एच वन और पैराग्राफ के लिए मुझे सी एस एस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक ये इसमें एडवांटेज है। तो देख लेते हैं हम एस टू लेते हैं। ओके, करना पड़ेगा एस टू, यानी जो टैग के लिए मुझे सी एस एस अप्लाई करना है तो वो टैग का नाम लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ लेना है तो पैराग्राफ। क्या करना है, कलर देना है और कलर होना चाहिए, हेडिंग का अपना रेड होना चाहिए, और जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ पैराग्राफ का जो कलर होना चाहिए वो पर्पल होना चाहिए। ओके, ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब मैं हेडिंग यहाँ पर लिख सकता हूँ। एच टू की बात कर रहा हूँ, एच वन के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो टैग यूज करेंगे वो टैग में ही अप्लाई होगा। ठीक है, मैंने एच टू यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एच टू में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम और एक पैराग्राफ में यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर कुछ टैग ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक मेरे पैराग्राफ लिख दिया और एक हेडिंग लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये चेक करना है कि ये प्रॉपर वर्क कर रही थी, जैसे हमने कुछ स्टाइल अप कर दिया। ओके, सो हम जाएंगे सेम उसी फोल्डर में जहाँ पर मेरी फाइल सेव है, इंटरनल दिख रहा है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ गूगल क्रोम। ओके, गूगल क्रोम, सो गूगल क्रोम में हम जाएंगे। ओके, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, शो रहा है, दिखती है? हाँ। ओके, देखो जैसे मैंने हेडिंग को जो मैंने कलर दिया, हो रहा है, जो हेडिंग को मैंने कलर दिया था रेड कलर, तो हेडिंग को अप्लाई हाँ। और जो मैंने फॉन्ट किया, जो मैंने पैराग्राफ के लिए अप्लाई किया था पर्पल, ना उसके लिए अप्लाई हो गया। ओके, हाँ तो ऐसे काफी सारे, मतलब इसमें हम पहले प्रॉपर्टी लिखे, इसमें हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, बाद में कंटेंट लिखते हैं ना इंटरनल में। प्रॉपर्टी, हाँ, मतलब कि पहले प्रॉपर्टी कंटेंट बाद में लेकर कुछ चलेगा, बट इसमें कैसा है कि
जो टैग को मुझे जो सीएसएस देना है तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने जैसे मुझे मेरे वेब पेज में H1 टैग यानी कि मेरा सब हेडिंग जो होगा H2 होगा, H2 टैग यूज करूंगा, तो उसके कौन सा कलर जो भी स्टाइलिंग देना है वो सिर्फ स्टाइल के अंदर आएगा, बाकी सब अपना बॉडी के अंदर आएगा तो लिखना है। मतलब ये डिफरेंट है इनलाइन से? इनलाइन में क्या होता है कि मुझे हर एक टैग के लिए इंडिविजुअली में सीएसएस हर एक में लिखना पड़ता है, बराबर? हाँ, ओके, अभी हर एक लिखना पड़ता है। जैसे मैंने H2 टैग मैंने ले लिया, बराबर, H2 टैग के लिए मैंने रेड कलर दिया, मैंने H2 टैग एक बार मैंने यूज किया यहाँ पर, ओके, मैंने एक में फॉन्ट लिया कॉम्पिटिशन ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर वापस से मैं H2 टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्टेट नेम फॉर कंप्यूटर एजुकेशन, ओके। सो मैंने वापस से यहाँ पर H2 टैग का यूज किया मैंने, हाँ, यूज किया, ओके। तो अब वापस से मेरे को इसके लिए सीएसएस नहीं देना पड़ेगा। अब मैंने H2 के लिए यहाँ पर रेड कलर दिया ना, तो जितनी बार भी मैं H2 यूज करूंगा ना, वो रेड कलर में ही दिखेगा जहां जहां मैं H2 यूज करूंगा वेबसाइट के अंदर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखा देखा, हाँ ओके। तो इसमें क्या होगा कि मेरे हेडिंग, जैसे मेरी वेबसाइट है कि मेरे वेबसाइट में हेडिंग जो होगा वो H1 टैग होगा, तो H1 टैग को हेडिंग को ये कलर होना चाहिए, तो मैंने H1 को मैंने कलर दे दिया। वैसे मेरे वेबसाइट में सब हेडिंग, सब हेडिंग का साइज थोड़ा छोटा होगा, तो मैंने H3 दिया, तो H3 को ये कलर ही फॉन्ट होना चाहिए। फिर मेरा पैराग्राफ में लिखूंगा तो पैराग्राफ में ये कलर फॉन्ट होना चाहिए। तो मुझे हर एक के लिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार इसके लिए मैंने सेट कर दिया, H1 में ये होना चाहिए, H3 में ये होना चाहिए और पैराग्राफ के लिए होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ मैं टैग यूज कर दिया वो ऑटोमेटिकली उसका सीएसएस क्या हो जाएगा, उसको अप्लाई होते रहेगा। समझ में आया? और अगर डिफरेंट कलर है, और अगर डिफरेंट कलर चाहिए तो उधर ऊपर मेंशन करना पड़ेगा ना। अगर सपोज मुझे, मतलब अभी अगर सपोज मुझे ये वाला H2 में डिफरेंट कलर, दूसरा हेडिंग, हाँ नहीं दूसरा हेडिंग, हाँ क्योंकि H2 के लिए तो मैंने अप्लाई किया तो यूनिवर्सल हो गया, जहाँ जहाँ तुम H2 लोगे हाँ तो उसके लिए सेम कलर आएगा, पर तुमको ऐसा चाहिए कि H2 में अलग चाहिए, H2 में अलग चाहिए, तो तुमको फिर स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे तो यहाँ पे इनलाइन जैसा होगा ये, तुमको ये इंडिविजुअली देने के लिए तुमको ऐसा यूज करना पड़ेगा, हाँ इंडिविजुअल के लिए, हाँ तुमको ऐसा देना पड़ेगा। H2 लूंगा, ये H2 में मुझे कोई अलग कलर देना है तो मुझे लिखना पड़ेगा, बराबर, ना, तो वापस से H2 लूंगा, अभी ये H2 में मुझे कोई अलग कलर है, ग्रीन कलर से मुझे लिखना पड़ेगा। बट ये क्या है कि H2 मैंने यहाँ पे कलर सेट कर दिया, जितनी बार मैं H2 लिखूंगा, जितनी बार मैं H2 ले जाऊंगा वो H2 में सेम रेड कलर ही अप्लाई होते जाएगा, ठीक है, रेड कलर ही अप्लाई होते जाएगा। तो हम लोग एक्सटर्नल भी देख लेते हैं। तो अगेन हेडल एंड न्यू फाइल,
एक्सटर्नल से मैंने बताया था कि एक्सटर्नल से तो मुझे अलग से सेपरेटेड सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी, तो मुझे एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा, मतलब सीएसएस का जो पूरा पार्ट होगा वो अलग से फाइल से मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ एचटीएमएल पेज नहीं करेगा। अभी तक जो मैंने इनलाइन और इंटरनल अभी जैसे कि तुमने देखा वो हम लोग क्या कर रहे थे, एचटीएमएल पेज के अंदर ही कर रहे थे, ओके। बट एक्सटर्नल जो होगा वो अलग से सेपरेटेड फाइल बनाएगी मुझे करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा क्या होगा कोड भी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन कोड मेरे बड़ी भी नहीं होते, मेंटेन करना भी इजी होगा, और मोस्ट ऑफ जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट जो होता है वो सीएसएस की फाइल का उसमें सेपरेट अलग से ही होती है, ओके। अलग से सेपरेट फाइल होगी जैसे कि उसको ईजीली मेंटेन करना ईजी मैनेज करना आसान हो जाता है, ओके। सो कैसे करेंगे, अलग फाइल लेनी पड़ेगी, कंट्रोल डाउन करेंगे मैं, ओके। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, मैं कि ये कुछ टैग्स हैं जो कि हम एचटीएमएल में यूज करते हैं, तो हर एक टैग के लिए मैं अलग अलग से सीएसएस मैनेज करूंगा। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, एक्सटर्नल डॉट उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस, क्योंकि हम लोग सीएसएस बनाते हैं, ओके। जो एक्सटर्नल की सेपरेट यानी कि एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं सीएसएस, तो एक्सटर्नल डॉट सीएसएस, ओके। ये जो मेरा सीएसएस का पूरा पार्ट होगा इसके अंदर आएगा, और एचटीएमएल का है इसके अंदर आएगा, दिख रहा है दीपी, विजिबल है एक्सटर्नल और सीएसएस फाइल, ओके। सपोज मुझे मैंने अपने पेज को बॉडी के लिए मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, मैं तो मेरा होना चाहिए बैकग्राउंड कलर होना चाहिए पिंक होना चाहिए, ओके। हेडिंग जो होगा मेरे पेज में उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, जो मैं पैराग्राफ लिखूंगा उसका फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए, और उसका कलर कलर याद आ रहा ऑरेंज ऑरेंज रहेगा, ओके। एल आई है उसका कलर मैं दे देता हूँ, मैं क्या होना चाहिए और कुछ अलग नाम याद है, ओके। यहाँ पर देखो तुमको देखो अगर तुमको कलर वलर नाम नहीं मालूम पड़ते ना तो कलर का कलर कोड भी होता है, जिसे हम बोलते हैं हैश कोड बोलते हैं, ओके। कलर कोड होता है हैश, जिसे हम लोग हैश कोड बोलते हैं, वो कैसे हमको मिलेगा, आप मेरे को बराबर आ रहा है ऐसा कुछ है नहीं, वो तो समझ के रहेगा, बार बार भी कनेक्टेड है, दस मैं रोज सुबह से देख रहा हूँ 10 दिन 15 दिन कनेक्टेड है, अपने गूगल पे जाना होता है, गूगल पे जाके हम ऐसा कलर कोड ले सकते हैं, कलर कोड पहले ही
कुछ भी नहीं दिख रहा है बराबर।